तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे हैं और तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए है भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहानीय हैं और जो बातें मनभावनीय हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाए करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। आमेन। मैंने फिलिपियों चैप्टर 4 वर्स 7-9 मैंने पढ़ दिया, 8b और 9b, और यहां से आज मैं आपके बीच में बोलने का शीर्षक देना चाहता हूं, पीस ऑफ माइंड। मेरा बोलने का शीर्षक, द टाइटल ऑफ माई मैसेज इज पीस ऑफ माइंड। आप डालिए, और ये बहुत जरूरी है। आज के बहुत सारे हम संसार में देखे, बहुत सारे लोग आज जो शांति की खोज में है, हाउ टू गेट द पीस ऑफ माइंड, और शांति प्राप्त करना चाहते हैं, और शांति के लिए कोई इधर भाग रहे हैं, कोई उधर भाग रहे हैं, है ना। बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे हम देखते हैं तो शांति कहीं भी नहीं है। और शांति के विषय में है ना, एक पीस ऑफ माइंड, मन की शांति हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे छोटे से बच्चे पढ़ाई करता है और बड़ा बन जाता है, पैसा कमाता है, शादी कर लेता है, घर बनाता है, गाड़ी खरीद लेता है, सब चीजें कर लेता है, लेकिन पर भी मन में सेटिस्फाई नहीं होता है, शांति उसके जीवन में नहीं आती है, उससे उसके जीवन में कोई भी सेटिस्फाई और संतुष्टि नहीं मिलती है। तो आज इस दुनिया में हम दुनिया में हैं, तो हमें क्या करना चाहिए हमारे जीवन के लिए। आपने कभी सोचा मैं चर्च जा रहा हूं, या मैं पढ़ाई कर रहा हूं, या मैं अच्छा काम कर रहा हूं, आप सोचते हैं, लेकिन जब तक भाई बहन हमारे मन में शांति नहीं होती है, सब चीजें हमारे लिए व्यर्थहीन रह जाता है। इसलिए आज मैं बताना चाहता हूं आपके हम सबको, मैं उत्साहित करना चाहता हूं, ये शांति हम यीशु की शांति आपके जीवन को सुखित बनाएगा। यीशु की शांति, परमेश्वर की शांति आपके जीवन को एक सही राह पर लेकर जाएगा, और आपके जीवन में परमेश्वर आशीष करेगा। इसलिए हर एक व्यक्ति को मन की शांति की जरूरत है। अब जो भी है, चाहे छोटे बड़े से जवान से, आप सबके लिए मन की शांति की जरूरत है ना। हम काम कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, उसके बाद रिजल्ट क्या है, हम क्या बनना, क्या करना चाहते हैं इन चीजों को पाने के बाद, इन चीजों के होने के बाद क्या सोचते हैं, क्यों, किसके लिए कर रहे हैं। कभी आपने सोचा आपने जीवन में, मैं ये चीजें सब चीजें किसके लिए कर रहा हूं? मन की शांति के लिए ना, मन की शांति। एक छोटा बच्चा अच्छा पढ़ाई होता है, बड़े जाता है, स्कूल जाता है, फिर कॉलेज जाता है, और कॉलेज होने के बाद अच्छा जॉब लगता है, और अच्छे शादी करता है, और शादी करने के बाद उसको बोला कि मेरी शांति हो जाएगी, या कुछ अच्छे जमीन खरीद लेता है, उसके बाद शांति हो जाएगी। ये चीजें, दुनिया की चीजें करते रहते हैं, लेकिन तब भी उसके जीवन में शांति नहीं होती है, और शांति में भरा होता है बंदा हर समय। बहुत सारे लोग हैं, हमारे जवान लोग आज इस जगह में नहीं है, क्यों इस तरह से भटक रहे हैं, क्योंकि एक काम करूंगा, ये काम वो काम करूंगा तो मेरे जीवन में शांति आएगी सोचते हैं, लेकिन वो टेम्पररी है। जो भी चीज हम कर रहे हैं ये चीजें टेम्पररी हैं, ये भौतिक चीजें हैं, और आध्यात्मिक चीजें जो हम उस जिसको हमें खोजना चाहिए हम नहीं पा रहे। हमारे से जो शांति है ना, हमसे बहुत दूर हो रहा है, समझ रहे हो। जितनी आप संसार के चीजों पर पीछे भागते हैं, उतनी ही आपके जीवन से जो शांति है उतना ही दूर हो जाता है। एक बार एक कहानी मैंने सुना था, वो कहानी ऐसा था, एक व्यक्ति ने एक 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 राजा होता है, उसकी और रानी होती है, और रानी क्या होती है कि एक बार उस नहाने के लिए चले जाती है, तो उसके उसके बहुत कीमती हार होता है, समझ रहे हैं, हार जो रानी लगाती है बहुत प्रेशियस होता है और उसको बहुत पसंद होता है।
जो नहाते समय स्विमिंग पूल में जाने से पहले रानी ने एक जगह पर रख लिया। लेकिन रखा तो एक कबूतर आया, एक पंछी आया, और पंछी आकर उस हार को उठाकर लेके गया। उसने सोचा कुछ खाने का चीज है, लेकिन खाने हो तो उसके बाद रानी बहुत बेचैन होगी, बहुत तकलीफ है उसको। हार पंछी ने लेके गया, अब कहाँ चले के जाए? चोर लेके जाए तो हम ढूंढ सकते हैं, यानी कोई कहाँ पर राजा किसी को भी वो कर सकता था। लेकिन वो चीज लेके गया जो पंछी ने लेके गया। लेने के बाद रानी बहुत बेकूल होगी, मन में बहुत चिंता होगी, तो उसने राजा को ये बात शेयर किया। तो राजा ने क्या बोला कि सारे प्रजा को बोल दिया, सारे लोगों को बोल दिया, ये रानी का जो हार मिलेगा उसको मैं बहुत कीमती पर प्राइज दूंगा, बहुत पैसा दूंगा। लेकिन और बहुत सारे लोग निकल गए, बहुत सारे ढूंढने के लिए कहीं नहीं मिला, और पंछी ने कहाँ लेके गया पता नहीं चला। लेकिन एक बंदा विदेश जाना चाहता था, पैसा कमाना चाहता था, और वो विदेश निकल गया परिवार को छोड़कर, पैसा कमाकर अपने जीवन में काफी कुछ करना चाहता था। लेकिन चलते चलते उसको प्यास लगी और वहां तालाब पड़ा हुआ था। तालाब आप समझते हो जो पॉइंट जहां पर पानी मिलता है, लोग पानी लेने जाते हैं। तो वो उस तालाब के पास में गया, प्यास लगा था चलते, अभी उसको विदेश जाना है, उसको पैसा कमाना है, वो अमीर बनना चाहता है। लेकिन जाते चलते क्या हो गया, वो तालाब के पास में जाते हुए पानी जब ले रहा था तो वहां पर हार दिखाई दिया, और वो हार दिखाई दिया। उसने मन में सोचा अभी मैं अमीर हो जाऊंगा, मैं विदेश नहीं जाऊंगा, अब मैं पैसा बहुत कमाऊंगा, अब मेरा घर बनाऊंगा, मैं मेरे बच्चों के लिए, सब लोगों के लिए मैं अच्छा काम अभी मेरा जीवन होगा, बोल के उसने मन मन में सोचने लगा। क्योंकि उसने हार देखा, क्योंकि ये जब इसको उठा के लेके जाऊंगा राजा मेरे को बहुत पैसा देगा, और ऐसा सोच कर उसने और तालाब में देखा था। और जब उसने गया पकड़ने के लिए, तो उस जब वह पकड़ने में गया तो वो वहां पर जब पकड़ने के चले जाता है वो गायब हो जाता है, और जो तालाब में जाता है और वहां जाकर पकड़ने लगता है वो गायब हो जाता है, और बहुत परेशान हो गया बंदा। फिर वो दूसरे लोग भी आने लगे, तो सब लोग वहां पर बहुत भेला इकट्ठे हो गए, और मैं यहाँ पर हार देखता हूँ, जब मैं पकड़ने जाता हूँ पता नहीं ये जल देवताएं हैं या जल की कोई ऐसा शक्ति है, वो गायब कर देता है। तो उसने क्या, वो फिर चले जाता है, फिर गायब हो जाता है। बहुत सारे लोग आए, सब लोग देख रहे हैं वो हार को, लेकिन जब पकड़ने जाता है वो गायब हो जाता है। तो बहुत भीड़ लग गया था वहां पर। एक संत वहां से आए थे, एक बहुत प्रभु के स्वयं के संत वहां से आए, और संत आने के बाद में बोला, इतने बड़े भीड़ लगा हुआ है यहाँ पर, क्या है? राजा ने हुक्म दिया था जब हार मिलेगी तो उनको मैं बहुत बड़ा कीमत पैसा देगा, और हमारा जीवन सुखी होगा, हम बहुत कुछ पाएंगे। हम जब ढूंढने जाते हैं, वहां पर पकड़ने जाते हैं, वो गायब हो जाता है, पता नहीं क्या होता है। तब उस संत ने क्या बोला, वहां पर जा गया, देखा तो उसने वो लोग बोलता है कि यहाँ तो हार है ही नहीं, वो बोलता है यहाँ है ही नहीं। अरे कैसा मूर्ख आदमी है ये, इतने लोग यहाँ हार देख रहा है, पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम बोलता है ही नहीं, कैसे नहीं है, देखो यहाँ पर है, ऐसे बहस करने लगे। उसके बाद उसने बोला ये हार यहाँ है ही नहीं है। सबको उसने बोला कि तुमने ऊपर की ओर देखो बोला, और वहां पर एक पेड़ था, वहां पर पेड़ लगा हुआ था, तो पंछी ने उस जो हार था उस पेड़ में उसमें अड़ गया, उसमें लग गया था, जो पेड़ के अंदर में था उसकी रिफ्लेक्शन, उसकी जो प्रकाश होती है वो जब पानी पर दिखाई देती थी और वहां दिखाई देती थी, जब वहां देखता था तो सब लोग सोचते थे कि यही पर है, जब वो टिपने जाता परछाई कभी कोई किसी ने पकड़ सकता है, परछाई कभी पकड़ सकता है, उसकी परछाई दिखाई दे रही है, उसकी प्रकाशन दिखाई दे रही है, उसकी रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है, और लोग उसी को पकड़ रहे हैं, जितने पकड़े जाता है वो गायब हो जाता है। आज दुनिया में भी लोग शांति को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, शांति को अपने जीवन में पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शांति उनसे भाग रहा है। मेरे पास में कार गाड़ी आ जाएगा, मेरे पास में घर हो जाएगा, मेरे पास में जमीन हो जाएगा, मैं पैसा कमाऊंगा, मैं अमीर बन जाऊंगा, तब मेरे जीवन में शांति आएगा। दुनिया ऐसी चीज में भाग रहा है।
इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यदि आपने इस चीज को अपने जीवन में लिया, यदि आपके पास घर भी नहीं है, यदि आपके पास में कोई चीज भी नहीं है, यदि आपने प्रभु के वचन में जब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचार में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी, तब यानी कि इसलिए है भाइयों, जो सत्य है जिस सत्य की खोज में उसी में लगे रहो, आदरणीय है उसी की बात करो, जो जो बातें उचित है उसी पर अपना मन लगाओ, जो बातें उचित है परमेश्वर के वचन में लिखा। यदि आप परमेश्वर के वचन खुलोगे भजन संहिता उसकी 119 में, भजन संहिता 119 में लिखा है प्रभु के वचन उसकी 119 की 165 में कहा गया है, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वाले को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। हालेलुया, आमेन। तेरी व्यवस्था परमेश्वर की वचन को, अब परमेश्वर की वचन पर मनन करने वाला, उसी पर प्रीति लगाने वाला, प्रेम करने वाले लोगों को बड़ी शांति होती है और प्रभु कहता है उनको कुछ ठोकर नहीं लगेगी। हालेलुया, समझ रहे हैं? जब परमेश्वर की वचन को आप अपने उस पर मन लगाओगे, प्रभु की ओर अपना मन लगाओगे, परमेश्वर की ओर आप बढ़ोगे, उस परमेश्वर को अपने जीवन में लगाओगे, तब परमेश्वर कहता है यीशु मसीह तू शांति से तुम्हें सुरक्षित करेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा यूहन्ना रचित किताब उसकी 14 अध्याय का 27 आयत में प्रभु कहता है, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 27 में प्रभु क्या कहते हैं, मैं तुम्हें ऐसी शांति देता हूं जो दुनिया नहीं देती है, मैं अपनी शांति, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें देता हूं, और जो जब जो शांति मिलेगा तुम्हारे अंदर में व्याकुल नहीं होगी, तुम व्याकुल नहीं होगे और तुम्हें डर नहीं होगा। हालेलुया, इसलिए आज आपको प्रभु यीशु मसीह के पास उस शांति में आनी है। प्रभु यीशु जो शांति का श्रोता है, जो शांति का राजकुमार है, और उसके पास जब आते हैं तो आपके अंदर में वो शांति, जो पीस ऑफ माइंड आपके अंदर में होगी, परमेश्वर के वचन वायदा करता है। इसलिए भाई बहन, आज हम दुनिया की चीजों पर भाग रहे हैं, आपसे शांति जैसा जिस तरह से परछाई, आप शांति पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, दुनियादारी करने के लिए हम कर रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा मत करो, करना है, जरूरी है, लेकिन उसके पीछे आप जब मैं ये करूंगा तो मेरे लिए इतना पैसा होगा तभी मैं चैन से आराम से बैठूंगा, नहीं। एक बाइबल में कहानी बताया ना, एक बंदा ने बहुत अनाज खेती लगाया, बहुत कुछ हो गया, उसने कहा आज मैं अभी अपने अपने गोदाम को बड़ा करूंगा और मैं वहां पर मेरे सारे धंधे अनाज को वहां रखूंगा और मैं बोलूंगा मेरी प्राण को कि तुम चैन से रहे, आराम से रहे। लेकिन उसे परमेश्वर ने वचन में लिखा गया है, हे मूर्ख, आज ही रात तेरी प्राण को लिया जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। जो दुनिया के चीज पर हमें इस तरह से लगते हैं, ये चीजें मुझे शांति लगे, टेम्पररी है दुनिया की चीजें। जैसा आप समझते हो ना, पेन किलर आप लोग ने खाया है कभी? पेन किलर जब आपकी सिर दर्द होती है, जब आपकी कोई समस्या होता है, थोड़ी देर तो रिलीफ मिलती है आपको, थोड़ी देर रिलीफ मिलती है। यदि आप पेन किलर खाते हो कुछ समय आपको रिलीफ मिलती है, लेकिन बाद में फिर आपका बीमारी वैसे हो जाता है, वैसे हो जाता है ना। ऐसे ही एक दुनिया की सो शांति की हम पीछे भाग रहे हैं ना, दुनिया मुझे शांति देगी, नहीं, कभी भी दुनिया आपको शांति नहीं देगी। एक पेन किलर की तरह आपको खाते हो, थोड़ी देर तो ठीक लगता है, फिर बाद में आपके जीवन में अशांति आ जाता है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर की प्रेम में, उसकी वचन में आप जितने बढ़ोगे, आपके जीवन में उतनी ही आपके अंदर में वो सुकून मिलेगी, परमेश्वर उतने ही आपके जीवन को संतुष्टि करेगा। इस बात को मत छोड़ो, ये जो सत्य बातें हैं, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें मनभावना है, जो जो बात आदरणीय, इसके पीछे लागो, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की शांति आएगी। परमेश्वर आपके जीवन को वो शांति का श्रोता है। परमेश्वर के वचन में लिखा दूसरी थेसलोनिका किताब 3 चैप्टर उसकी 16 वर्ष में लिखा, वो परमेश्वर शांति का श्रोता है, इसलिए अपने जीवन को उस शांति की ओर लेकर जाओ, उस परमेश्वर की ओर अपने आप को बढ़ाओ, तो आपके जीवन में परमेश्वर की शांति बनी रहेगी। इसलिए मैं आपको एक उत्साहित करना चाहता हूं, संसार की जो बातें ले हमें हमारे जीवन में सेटिस्फाई नहीं करता है,
हमें बहुत सी चीजें सेटिस्फाई नहीं करता है, शांति कभी भी हमें नहीं मिलती है। लेकिन जब आप प्रभु यीशु की करीब में आप बढ़ते हो, परमेश्वर की आध्यात्मिक बातों में बढ़ते हो, परमेश्वर की प्रार्थना में बढ़ते हो, वचन में बढ़ते हो, उतने ही आपके जीवन में सुकून आएगा, उतने ही आपके जीवन को शांति मिलेगी। परमेश्वर का वचन ये बातें बताई गई है। आप देखिए परमेश्वर का वचन बुक ऑफ आइज़ाया, यशायाह का किताब 26 अध्याय उसकी 43 आयत में। यशायाह का किताब, यदि आपके बाइबल, आपने बाइबल लिया है, आप खोल सकते हो 26 अध्याय का उसकी 3 आयत में परमेश्वर के वचन में ऐसा बात लिखा हुआ है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। आमेन। जिसका मन, देखो भाई बहन, ये शांति भंग कैसी होती है? आपकी सोच में, आपकी विचार से। शैतान आज के हरेक जवान, हरेक व्यक्तियों की सोच को नकारात्मक की ओर लेकर जा रहा है। शैतान विचार को आपकी अलग जगह में लेके जा रहा है, जिसके वजह से आप सद्गुण, सद्भाव, सत विचार आपके जीवन में आ नहीं पा रहे, क्योंकि शैतान इस नहीं चाहता कि आप आगे बढ़े, आपके अंदर में शैतान, आपके अंदर में शांति आ जाए। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि आपकी सोच में, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है ना, क्योंकि जो परमेश्वर की शांति, आज हमने जो खंड पढ़ा फिलिपी चैप्टर 4:7 में, जहां पर हमने देखा था कि परमेश्वर की जो शांति है, जो सारी समझ से परे हैं, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जो शांति है, जो परमेश्वर की, सारे विचारों से दूर है, सारे चीजों से दूर है, कि वही चीज जो प्रभु यीशु मसीह में हृदय को, तुम्हारे विचारों को मसीह ही में ही सुरक्षित रख सकता है। आप जितने मसीह के करीब में आओगे, उसको जानने की कोशिश करोगे, उतने ही आप शांति की महसूस अपने जीवन में करोगे। इसलिए मैं आप सबको उत्साहित करता हूं, आज शांति के दौड़ में छोड़ते हुए नौजवान लोग बहुत सारे दुनिया की दारी में फंसे हुए हैं, दुनियादारी में है। इसलिए जीवन को सही रीति से जीने के लिए आपको शांति चाहिए। गरीब को भी चाहिए, अमीर को भी चाहिए, शांति किसको नहीं चाहिए? मन की शांति सबको चाहिए ना, पढ़े लिखे को भी चाहिए, अनपढ़ को भी चाहिए शांति। जय सब जो दुनिया के जिस सब लोगों को शांति चाहिए, आपको नहीं चाहिए शांति? चाहिए ना। आज बढ़ रहे हो, कमा रहे हो, कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, कल जाकर शादी होना है, किस करना है, शांति की कोश, सबको चाहिए शांति। लेकिन ये शांति कहाँ मिलेगी, कैसे प्राप्त करेंगे? आज आपने ये सवाल पूछा, मेरी शांति जीवन में कैसे? मैं चर्च आ रहा हूँ, कुछ गीत भजन गा रहा हूँ, जो कोई बातें कर रहा हूँ, हाँ सही बात है, प्रभु ने जो बात, जो जो बातें अच्छी हैं उसके पीछे चलो, जो जो बातें आदरणीय हैं वो करो, जो जो बातें पवित्र हैं वो चीज़ों पर लागो। परमेश्वर के वचन में कह रहा, तुम्हारे मन में परमेश्वर की शांति बने रहेगी, और परमेश्वर ही यीशु मसीह हैं शांति भरेगा, क्योंकि शैतान नहीं चाहे, शैतान का पर शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के तले कर देगा। जब प्रभु के पास आप बढ़ोगे, जब प्रभु के पास आप आना शुरू करोगे, यीशु की ओर आप बढ़ेंगे, परमेश्वर, शांति का परमेश्वर उस शैतान को तुम्हारे पांव में करेगा और तुम्हारे जीवन को सुखन बनाएगा, परमेश्वर के वचन में लिखा। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, मैं आप सबको उत्साहित करता हूँ, आज शांति के खोजी में, शांति के लिए लोग कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई नशे में पड़ा हुआ है। आपको पता है दुनिया नशे क्यों करता है? मन बेकुल है, संतुष्टि नहीं है, ये करने से भी संतुष्टि नहीं है। बड़े बड़े आदमी मैंने देखा है, फॉर्च्यूनर गाड़ियों से निकलता है, चुरोट सिगरेट खाते हुए निकलता है, क्योंकि उसको शांति नहीं है। वो सोचता है थोड़ी देर तो उसको आती है, लेकिन वो फिर ही बेचैन हो जाता है। आज दुनिया के ड्रिंक्स कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, ये चीजें क्यों लोग इस खोज में, जब इस चीजों को हमने देखा, तो ये सब चीजें लोग क्यों करते हैं? सेटिस्फाई होने के लिए, संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए ये चीज करते हैं, लेकिन शांति उनसे दूर दूर भाग रहा है। इसलिए मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं, आपने परमेश्वर को इस तरह से नंगी आंखों से नहीं देखते आपने कभी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ऐसे देख नहीं रहे हो क्या होगा, ऐसे हम चर्च जाते हैं, गीत भजन गाते हैं, अच्छा काम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, शांति कैसे मिलेगा? एक सिस्टम होता है,
अपने दूध में कभी मक्खन देखा है? जब आपको दूध लेकर आगे रखा देगा तो आप कभी वहां पर मक्खन देखते हो? दूध ही दिखाई देती ना आपको, लेकिन आपको विश्वास है ना ये दूध से मक्खन बनता है? विश्वास है कि नहीं है ना? वो दूध लेकर रख देते हैं और बोलेंगे कि ये दूध से मक्खन नहीं बनता है। अरे दूध तो वश में, दूध में तो मक्खन तो दिखाई नहीं देती है, दिखाई देती है दूध में मक्खन, लेकिन प्रोसेस होता है ना, उसको पहले बॉइल करना पड़ेगा, उसके बाद फिर ठंडा करना पड़ेगा, उसके बाद उसको रगड़ना पड़ेगा, उसके बाद कई जगह निकालना पड़ेगा, उसमें मक्खन निकलती है, उसको भर फिर आग में जलाना पड़ेगा, तभी घी बनता है, वो दूध से बना हुआ है। ये हम भी कभी कभी सोचते हैं कि चर्च जा रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमें देखा नहीं। एक सिस्टम है, जब आप अच्छे परमेश्वर के पास इस तरह से बढ़ते हो, आपको समझ नहीं आ रहा है प्रभु है कि नहीं है, प्रभु है कि नहीं है, मेरे जीवन में तो बेचैन आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जब जब आप हे भाइयों सत सत बात के पीछे चलोगे, जो जो बातें उचित हैं, जो बात उस प्रभु की समानियां हैं, जो जो बातें सद्गुण है, प्रशंसा की बातें वो करने शुरू करोगे, ऑटोमेटिकली खुदा परमेश्वर शांति का सोता है आपके अंदर में, वो परमेश्वर शांति डालेगा। लेकिन आज बहुत सारे लोग शांति पाने के लिए पीछे भाग रहे हैं दुनिया के चीजों पर, उससे आपकी शांति टेम्पररी है, परमानेंट शांति केवल यीशु मसीह आपके जीवन में दे सकता है। इसलिए पीस ऑफ माइंड के लिए, हाउ टू गेट द पीस ऑफ माइंड, परमेश्वर के वचन में आप बने रहिए, इससे प्यार करिए। आप इसको जब पढ़ने शुरू करेंगे आपको यीशु नजर आने लगेगा, सत सत बात आपको देखने आप पसंद करोगे, तब आपकी जिंदगी में आपकी मकसद आपको पता चलेगा कि मैं इस दुनिया में किस तरह से मेरे को जीना चाहिए। ठीक है, मैं यही वचन के साथ आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ आज के शाम के समय में। और संसार की जो कुछ भी बातें हैं हमें शांति की ओर नहीं लेकर जाता है, लेकिन हमें शांति से दूर करता है। लेकिन जितने भी आप आध्यात्मिक रूप में परमेश्वर की ओर बढ़ोगे, प्रभु की वचनों की ओर बढ़ोगे, उसकी भजनों को सुनोगे, उसकी वचनों को पढ़ोगे, उससे प्रार्थना में लगे रहोगे, उसकी संगत में बनोगे, उतने ही आपके जीवन में सुकून और शांति मिलती रहेगी। क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें मेरी सच्ची शांति तुम्हें देता हूं, प्रभु के वचन में बोला गया है। इसलिए भाई बहन, ये जीवन में हमें परमेश्वर की शांति की जरूरत है, हर एक व्यक्ति को शांति की जरूरत है। यदि शांति की जरूरत है हमें यीशु प्रभु के पास आना चाहिए, हमें प्रभु के पास में बढ़ना है। ये मत सोचो मैं आज मैं इधर कमा रहा हूँ फिर मेरे ब्याह शादी हो जाएगा, मैं उधर बच्चे हो जाएंगे, वो होगा, इसको इससे शांति नहीं। जितनी आप प्रभु के पास आओगे, ये चीजें सिस्टम है होती रहती है, लेकिन हमें प्रभु के करीब में हमें बने रहना चाहिए। चाहे मुश्किल भी आए, चाहे कठिनाई भी आए, आप प्रभु के साथ बने रहना बहुत जरूरी है। इससे आपके जीवन में शांति प्रभु परमेश्वर बहाली करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा वो परमेश्वर शांति का राजकुमार, शांति का सोता, जहां से पानी बहती है, जहां से जिस तरह से सोता मतलब जहां से पानी जो बहती है उसी रीति से जो मुहान होती है उसी रीति से वो भी शांति का सोता है। आप जितने प्रभु के वचन में पढ़ोगे, उसकी संगत में बैठोगे, सद्भाव जो अच्छी अच्छी बातें हैं उन चीजों को विचार करने शुरू करोगे, परमेश्वर की शांति यीशु मसीह में सुरक्षित आपके जीवन में बने रहेगी।